वार करके देख लीजिए, हवा तक नहीं घुस सकती हमारे जीरे बख्तर में। क्या? तो मान लीजिए जहां पर, मान लीजिए कि हम मैदान में आए हुए एक पागल हाथी हैं और आप पर वार करने वाले हैं, वो भी ठीक सामने से। आप तैयार हैं झापना? हम तैयार हैं। बताइए कैसी है आपकी सूंड? हमारा मतलब है कैसा है आपका सर? ठीक है, डंका बज गया। डंका तो हमारी सेना बजाएगी झापना, बस आपके हुक्म का इंतजार है। अल्लाह अल्लाह लफ्ज बोलने के लिए नहीं कहा हमने आपसे। अल्लाह बोल। और वैसे आप यहाँ पर इतने तैयार होकर क्यों आए? हमने आपसे कितनी बार कहा है कि मैदान जंग में आप हमारे साथ नहीं चलेंगे? शाही खून है हम अब्बा हुजूर, तो हम मैदान जंग से दूर कैसे रह सकते हैं? मैदान जंग में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जापना। वाह बीरबल, यानी कि हमारे दुश्मन हमारी मांगों को मानने के लिए तैयार हो गए। नहीं जापना, शर्त मानने के लिए नहीं, पर बातचीत के लिए तैयार हो गए। और बातचीत के लिए वो खुद हमारी रियासत में आ रहे। बादब बामुलाहिजा होशियार, टीकमगढ़ के नवाब आसिफ खान और राजनगर की रानी कुकुम्बरा तशरीफ ला रही है। जलाल, मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? मैं फौज में, मेरी बीबी फौज में हमले की तैयारी कर रही है। हमारी बेगम साहिबा तो बिना तैयारी का ही हमला कर देती है। धड़ाम। हम यहाँ आपके जुमले सुनने नहीं आए अकबर जी। दिन में अंगार, रात में बहार। आर्या पार, अगर तुम्हें उमरकोट की जमीन चाहिए तो तुम्हें हमसे जंग जीतनी होगी। मैं मौज में, मेरी बीबी फौज में। फौज तो हमारी भी तैयार खड़ी है आसिफ खान, और उसकी ताकत का अंदाजा तो आपको होगा। तीन बार धूल चटा चुके हैं आपको हम। क्या आपने हमें यहाँ धूल चटाने के लिए बुलाया है? नहीं नहीं, हमने आपको तो यहाँ पर बीरबल की वजह से बुलाया है जी। नहीं, हमारा मतलब है कि राजा बीरबल ने हमें मशवरा दिया कि हम आसिफ खान और रानी कुकुम्बरा, प्यार से हमें कुकु कुकु कहते हैं, हम तो बस इतना चाहते हैं कि इस जमीन के मसले को हम तीनों आराम से बैठकर बिना लड़ाई झगड़े के सुलझा लें। आइए बलदेव। पर मुश्किल का हल अकबर बीरबल, अकबर तो आ गए, बीरबल कहाँ है? जापना बीरबल जी को छोड़िए, इसके लिए तो हम और आप ही काफी हैं। तो बताइए अकबर जी, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? दिन में अंगार, रात में बहार। देखिए क्या है कि उमरकोट की जो जमीन है वो हम तीनों के राज्य से जुड़ी हुई है। इस जमीन का फायदा हम तीनों को है, तो क्यों ना इस जमीन को बराबर तीन हिस्सों में बांट लिया जाए। दरअसल उमरकोट से हमारी कुछ हसीन यादें जुड़ी हुई हैं। हमारी पहली शादी की पहली सुहागरात हमने वही मनाई थी। हाँ, पहली शादी? मतलब आप कितनी शादियां कर चुकी हैं कुकु जी? नौ शादी की है हमने अभी तक, और दसवें की हमें तलाश है। देखिए उमरकोट से हमारी भी कुछ पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं।
क्यों बहुजूर, आपकी भी पहली सुहागरात। खामोश खरगोश। हम कह रहे हैं कि उमरकोट में हमारा जन्म हुआ था, अब हमारे अब्बा हुजूर की सुहागरात वहां पे मनी हो तो वो हम नहीं जानते, लेकिन हम वहां पर पैदा हुए थे, इसीलिए हम उमरकोट को अपने आप से जुदा नहीं कर सकते और ना ही किसी तरह का खून खराबा चाहते हैं वहां पर। ठीक है, अगर आपको अपनी बात मनवानी है तो आपको हमारी एक शर्त पूरी करनी होगी। बोलिए, क्या आप तैयार हैं? क्या शर्त? कैसी शर्त? कौन सी शर्त? बहुत ही आसान है। देखिए, ये मिश्री का एक टुकड़ा है, आपको इस टुकड़े को बराबर बराबर हिस्सों में बांटना होगा हम सब में। अगर आप ये कर पाए तो हम तीनों आपस में जमीन बराबर बराबर बांट लेंगे। मिश्री के टुकड़े के बराबर हिस्से करने हो? सोच लीजिए अकबर जी, अगर आपको अपनी जन्मभूमि में हिस्सा चाहिए तो आपको हमारी ये शर्त पूरी करनी ही होगी। और इस शर्त को पूरा करने के लिए हम तुम्हें तीन माके, इसकी माके माके नहीं, तीन मौके देंगे, पूरे तीन मौके। हमने आप सबको यहां पे इसलिए बुलाया है क्योंकि इस मिश्री को हम आप लोगों में बांट सके। अभी हम अपने फौलादी हाथों से इस मिश्री के पांच टुकड़े करके सबको बांट देते हैं। वासु, हथौड़ा लाओ। हथौड़ा हाथ में? आ जाओ। हथौड़ा मार वासु। एक मौका है? अब एक मौका तो गया, अब बचे दो मौके। कोई बात नहीं, हम है ना, ये तो बहुत ही आसान है। पर पिताजी, ये चोटी से नहीं टूटेगा। चल हट, हटो, लो। शहजादे, हर काम के लिए फौलादी जोर लगाना जरूरी नहीं होता है, अक्ल लगाने की जरूरत पड़ती है। बहुत ही आसान। ये रहे पांच टुकड़े। शहजादे, अब इसे आप बांट सकते हैं। वासु, हाँ तो अब बताइए, जमीन का बंटवारा कब करना है? शहजादे सलीम, आप जरा हमारे करीब तो आइए, आइए ना। बैठिए ना शहजादे, देखे ना, हमारी मिश्री का टुकड़ा आपकी मिश्री के टुकड़े से थोड़ा सा बड़ा है। वैसे अगर आप हमारी बाहर देखना चाहते हैं ना, तो करिएगा रात का इंतजार। हमें लगता है कि आप शर्त भूल गए। शर्त के मुताबिक आपको मिश्री के बराबर, बिल्कुल बराबर टुकड़े करने थे, लेकिन ये तो छोटे बड़े। इसका मतलब दूसरी मौका क्या? अब दूसरा मौका भी गया। ये क्या है? ये मिश्री के टुकड़े किसने किए? जलाल, जब आखिरी मम्मा का
क्या? आखिरी मौका है तुम्हारे पास। आखिरी मौका है मतलब? आपके साले और बेटे ने दो मौके गवा दिए हैं। हाँ खैर, उस राजा दरबान को भेजा था बीरबल को ढूंढ कर लाने के लिए। अपना राजा दरबान दिखाई दे रहा है और ना बीरबल। अपना मागे आपका क्या करें, हम आचार डाले। आपको भेजा था बीरबल को ढूंढ कर लाने के लिए, बीरबल कहाँ है? हाँ, बीरबल जी भी साथ में आए ना, देखिए। बीरबल कहाँ रह गए थे आप? क्षमा चाहते हैं जापना, पर कोई हल निकला? जहां नहीं बीरबल वहां कैसे निकलेगा हल? इन लोगों ने तो शर्त रखी है। हाँ, वो राजा दरबार ने बताया हमें, एक मिस्री के टुकड़े के बराबर हिस्से करने। जा बना, हमें एक दिन का वक्त दीजिए, इस मिस्री के हम बराबर हिस्से कर देंगे। दे देते हैं बीरबल जी, हम आपको एक दिन का मौका दे देते हैं। जरा हम भी तो देखें कि आप मिस्री के बराबर बराबर हिस्से कैसे करते हैं। और हाँ, ये जो अंश पड़े हैं ना, इनको भी आपको बराबर बराबर हिस्सों में बांटना है। हाँ, फिक्र मत कीजिए, हम इस मिश्री के और इसके सारे अंश के बराबर हिस्से करके दिखाएंगे आपको। राजा दरबार जी, राजा बीरबल, ये सारे हिस्से और कण एक कपड़े में समेट लीजिए। जी। जापना की जय। आइए आइए बीरबल, हमने बीरबल आपकी आंखों में आंसू। बीरबल, जरूर कोई बात है जो आपको अंदर से खाए जा रही है, हमें बताइए बात क्या है। आपको हमारी कसम है जापना, वो उर्वशी ने उसके साथ शादी के लिए शर्त रखी। कैसी शर्त बीरबल? जापना, उर्वशी ने शर्त ये रखी है कि अगर हम उसके साथ शादी करना चाहते हैं तो हमें सब कुछ छोड़ना हो, ये महल, हमारा कामकाज, यहां तक कि आपको भी। क्योंकि जहां पर उर्वशी को ऐसा लगता है कि जब तक हम आपके लिए काम करेंगे हम उसे समय नहीं दे पाएंगे, इसलिए वो चाहती है कि हम सब कुछ छोड़कर उसके साथ उसके गांव में जाकर बस जाए हमेशा हमेशा के लिए। बीरबल, हमें लगता है कि आपको जाना चाहिए। चापना, आपके बिना हमारा कोई वजूद ही नहीं, हम तो एक मामूली से इंसान थे महेश दास। इस महेश दास को बीरबल बादशाह अकबर ने बनाया, अगर बादशाह अकबर नहीं तो बीरबल भी नहीं। हम आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। बहार, आप कर रहे थे हमारा इंतजार। कहिए क्या करें आपके साथ? हम क्या बताएं, आप तो शर्म से कैसे सिकुड़ से जा रहे हैं। हम तो सोचकर आए थे कि हम आपसे शादी करेंगे। शादी? शादी? अरे लेकिन आपकी तो पहले से ही 9 शादियां हो रखी है ना। 9 है, लेकिन हम आपको अपना 10वां पति बनाएंगे। 10?
कसम से अब बस। दसवीं शादी ये सलीम भाईसा के साथ करने वाली है, उसको बताना ही पड़ेगा। दीपा, एक बार बस हमसे शादी कर लो, देखना तुम्हें कितना मजा आएगा। हाँ बड़ी जोर से था। ये क्या हो रहा है यहाँ? माफी चाहेंगे लेकिन ये शादी नहीं हो सकते। सही कहा आपने जहाँपना, जहाँपना की जय हो। चल हट, जरा तमीज से बात कीजिए। अभी अभी हमने ये राजनगर की रानी कुकुम्भराज का इतिहास पता कर लिया है। दरअसल इनका काम ही यही है कि नौजवान लड़कों को अपने हुस्न के जाल में फंसाती है और शादी रचाती है। शादी के कुछ ही महीनों के बाद रहस्यमय तरीके से सारे के सारे पति स्वर्ग सिधार जाते हैं। बहुजूर हमें बचा लीजिए, हम मरना नहीं चाहते, हम स्वर्ग नहीं जाना चाहते, हमें बचा लीजिए। बहुजूर तो गए हैं आप, वरना अगर इनके साथ आपकी बर्बादी मतलब शादी हो जाती तो आप भी इनके बाकी पतियों की तरह। ये सोचिए अगर आपका निकाह इनसे हो जाता तो हम रानी साहिबा को क्या मुंह दिखाते। देखना तो अब हमें है कि बीरबल जी मिश्री के कैसे बराबर हिस्से करते हैं, नहीं तो जंग के लिए आप तैयार रहिएगा। अकबर जी क्या हुआ, बीरबल जी तो दिखाई ही नहीं दे रहे, कहीं गायब तो नहीं हो गए? आ रहे हैं बीरबल, आ रहे हैं। आ रहे नहीं जा बना, आ गए हैं हम, आ गए हैं वो। बलदेव जी चल बजवट। पिताजी मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझसे तमीज से बात किया करो। तो रानी कुकू जी ये रही मिश्री सारे अंश के साथ, ये प्याले और ये पानी हम लाए। प्याले पानी ये सब क्या है बीरबल? जा बना, मिश्री को बराबर हिस्सों में बांटना जो है, जो इन्हें लगता है कि नामुमकिन, और इसी नामुमकिन चीज को अब हम मुमकिन करके दिखाते। बीरबल जी, बलदेव जी हम मिश्री को बराबर बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं। जा बना, हमने सबसे पहले मिश्री को पानी में घोल दिया, फिर पानी को बराबर हिस्सों में, सात बराबर हिस्सों में बांट दिया। और उसके साथ साथ मिश्री भी बराबर हिस्सों में बट गई। और क्योंकि आप हमारे शाही मेहमान हैं, पहले तो इससे आपके लिए और रानी कुकू जी के लिए, जा अपना दिन में अंगार और रात में बहार,
बांट दी हमने मिश्री बराबर हिस्सों में। वाह वाह बीरबल वाह, क्या हुआ जबान कट गई आपकी? कुछ कहना नहीं चाहेंगे? मौज में मेरी बीवी फौज में। हाँ वो पता है, उसके आगे कुछ नहीं कहना चाहेंगे। अब वाह वाह बीरबल जी वाह, बहुत खूब, क्या 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 बंटवारा किया है आपने। अब क्यों कुकु साहिबा? सचमुच बीरबल जी, बराबर बराबर बांटना तो कोई आपसे सीखे। और अकबर जी, उबरकोट की जमीन को आप तीन बराबर बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं, हमें कोई एतराज नहीं है। क्यों आसिफ जी, हम सही कह रहे हैं ना? मौज में मेरी बीवी फौज में। हाँ वो तो जाहिर सी बात है, आप बातचीत करने में इतना वक्त लगाते हैं कि आपकी बीवी फौज में ही रहेगी और आपको जो मौज करनी आपको अकेले ही करनी पड़ेगी। उदास मत होइए बीरबल, एक जाती है चार आती है।